सर दोस्तों स्वागत है आपका आज की। आज मार्केट ने बता दिया कि मार्केट किसी के लिए नहीं रुकता, मार्केट सिर्फ अपनी राह पर चलता रहता है। आपको सिर्फ अपने डिसिप्लिन आपकी साइकोलॉजी पर काम करना होता है। आज मैंने बैंक निफ्टी में एंट्री ली तो निफ्टी पॉजिटिव रहता था, निफ्टी में एंट्री ली तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहता था। बाद में इतना हुआ मैं 3 बजे तक ट्रेंड में बना रहा, 3 बजे तक, 3 बजे तक थोड़ा भी मूव मार्केट ने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी पोजिशन काट दी, मार्केट ने इतना बड़ी मूवमेंट दी कि लगभग मेरा मुझे लगभग अब आज 3,000 का फायदा हुआ है। मैं अगर मार्केट में बना रहता, अपनी पोजीशन नहीं काटता तो मुझे लगभग 15-20,000 का फायदा हो चुका होता। लेकिन मार्केट तो सिर्फ मार्केट है, वो अपने धुन में चलता रहता है। सिर्फ आपको अपनी साइकोलॉजी, आपकी डिसिप्लिन के ऊपर काम करना होता है। हो सकता तो मैं 1 बी पे एंट्री ले सकता था, लेकिन मेरा जो रूल्स है, मेरा जो डिसिप्लिन है, उसके ऊपर मैं टिका रहा। अगर मैं बाद में एंट्री लेता तो मैं फायदे में रह सकता, लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना। जब तक मैं मार्केट में एंट्री लेने की कोशिश करता तो मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका था। तो आज ये वीडियो आपको काफ़ी रोमांचक होना रहा, तो एंड तक देखते रहना इस वीडियो। आज मार्केट ने काफ़ी अनएक्सपेक्टेड मूव दिया हमें। मुझे पहले ट्रेड में लॉस हुआ क्योंकि मैंने कल का जो हाई है वो ऑल टाइम हाई है। मुझे लगा यहाँ से मार्केट ज़रूर नीचे गिरेगा, लेकिन मार्केट ने इसको तोड़ते हुए बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है आगे। और जैसे ही मैंने इस लेवल को मार्केट ने तोड़ा, मैंने यहाँ पर एक कॉल बना ली थी। हमें पहले ट्रेड में नुकसान हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया। मुझे लगा वहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आएगा, लेकिन मार्केट ने अनएक्सपेक्टेड मूव देते हुए ऊपर की साइड के मूवमेंट दिया है। अभी हमारा लॉस लगभग कवर हो चुका है, हम प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। मैं अभी अपने प्रॉफिट को चलते देना चाहता हूँ। मुझे लगता है आज मोमेंटम है काफ़ी, मार्केट और आगे जाने की संभावना है। निफ्टी ने भी अपने ऑल टाइम हाई को अभी निफ्टी में भी एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको दिख रही होगी। यहाँ से निफ्टी मुझे लगता है और 100 पॉइंट तो आगे जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। सुबह अच्छा एक्सपायरी का दिन है, ऐसे दिन काफ़ी अच्छे मूवमेंट आते रहते हैं। आपको सिर्फ उस मूवमेंट की वेट करना होता है पेशेंस के साथ। निफ्टी थोड़ा अभी साइडवेज हो रहा है। यहाँ से अगर एक साइडवेज होते हुए फिर से एक आगे की साइड की मूवमेंट दी तो हमें और भी ज़्यादा फायदा होगा। मुझे बैंक निफ्टी का थोड़ा बैंक निफ्टी में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई है। ये कभी भी अपने इस ऑल टाइम हाई को एक रेजिस्टेंस बना के नीचे की तरफ आ सकता है। जैसे मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़ेगा, 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, मैं यहाँ पर अपने पोजीशन काट दूंगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। आज एक्सपायरी का दिन है, मुझे लॉस भी ज़्यादा हो सकता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है। आज हम कुछ रिस्क लेंगे, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आज हम ना खेलते हुए एक अच्छा खासा रिस्क लेके अच्छा खासा एक मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे अभी हम क्या होता है आगे। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी मूवमेंट होकर मार्केट एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा, फ्लैग एंड फुल पैटर्न जैसा आप यहाँ पर पैटर्न देख रहे होंगे। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो निफ्टी में एक ज़बरदस्त मूवमेंट आ सकती है, लेकिन अभी बैंक निफ्टी थमा हुआ है। लेकिन उसके अपोजिट निफ्टी ने देखो कितना बढ़िया मूवमेंट दिया है, ये आगे जाता ही जा रहा है। मेरे साथ ये हमेशा ही होता है, जिस चीज़ में मैं एंट्री लेता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में वही हमेशा लेट मूवमेंट देता है। यहाँ पर अगर मैंने निफ्टी में एंट्री ली होती तो मेरा प्रॉफिट आसमान छू गया होता। यहाँ पर निफ्टी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, यहाँ पर एक अच्छा खासा निफ्टी एक अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में जिसमें मेरी पोजीशन है वो एकदम मरा पोड़ा, एकदम साइडवेज है, ऊपर भी नहीं जा रहा नीचे भी जा रहा है। यहाँ पर आपको पेशेंस आपके साथ होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस होगा, आप पेशेंस के साथ यहाँ पर खेलोगे तो ही आप यहाँ पर पैसा बना पाओगे। मुझे भी लग रहा है कि मैं अपनी पोजीशन यहाँ पर काट दूँ निफ्टी में एंट्री लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। जो भी हो मुझे फ़ायदा या नुकसान मैं यहाँ पर बना रहूँगा, देखते हैं हम क्या होता है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी ये फ्लैग एंड फुल जैसा पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट देगा ही देगा, क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ पर पॉजिटिव जा रहा है तो बैंक निफ्टी कैसे नेगेटिव में जा सकता है। निफ्टी ने मैं आपको एक चीज़ भी दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर एक 1 आवर टाइम फ्रेम खुलता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे, ये ट्रेंड लाइन में आप यहाँ पर सपोर्ट देख रहे होंगे। कितने बार यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया मार्केट ने। अगर मैं यहाँ पर एक इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए यहाँ पर एक एंट्री लूँ तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा होगा और मुझे प्रॉफिट भी अच्छा हो सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर साइडवेज होकर नीचे की साइड जाने लगा तो निफ्टी भी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की साइड की मूवमेंट करेगा। ये निफ्टी जा रहा है सिर्फ 1 बजे से ऊपर, सेनेक्स आईटी कितना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहा है आप देख पा रहे होंगे। अभी मुझे टेंशन आ रहा है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नहीं। मुझे तो लग रहा है यहाँ पर जाएगा ही जाएगा। अभी देखता हूँ मेरा पोजीशन कितना चल रहा है। हम यहाँ पर एक एंट्री और भी ले सकते हैं निफ्टी में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे बैंक निफ्टी में अभी अच्छा खासा भरोसा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर दे रहा है ये ब्रेकआउट।
अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट देगा तो मुझे अच्छी खासी और एक 200-300 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पर दिखने को मिलेगी। आई होप यहाँ पर ब्रेकआउट दे, मैं आपको जो भी हूँ आपको मैं ये देखिए कितना वाइल्ड मूवमेंट आ गया है। मैंने अपनी यहाँ पर पोजीशन सारे कट दिए और जब मैंने पोजीशन काट दी तभी मार्केट ने इतनी बड़ी मूवमेंट दी। ये इतना वाइल्ड मूव ऐसे कैसे हो सकता है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, इतना कैसे मूवमेंट बड़ी आ सकती है? देखिए मैंने अपनी पोजीशन काट दी है, लगभग 2500 का फायदा। मैं अपने आपको बता दूँ, बैंक निफ्टी में 256 में काटा था, 256 में काटा था, अभी 383 चल रहा है। देखिए लगभग 130 पॉइंट ऊपर, मैंने 4 लॉट खरीदे थे। निफ्टी देखिए 168 अभी चल रहा है भाव लगभग 25। ये इतनी बड़ी मूवमेंट आ गई, इसे कहते हैं बैड लक। इतना बड़ा बैड लक हर वक्त मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैंने अपनी साइकोलॉजी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मैंने अपनी साइकोलॉजी को बिगड़ने नहीं दिया। यहाँ पर मैंने और एक एंट्री ले सकता था लेकिन ली नहीं। उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद मैं एक एंट्री ले भी सकता